ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। बाबा कहते कि तुम भी रुचि से पढ़ो, तुमको नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान बाप के हम रूहानी स्टूडेंट हैं, बेहद के बाबा के हम स्टूडेंट हैं, बेहद का बाबा हमारा टीचर है। भगवान बाप ही टीचर बनकर बहुत रुचि से हमको पढ़ाते, डायरेक्ट भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, तो बहुत खुशी से, बहुत रुचि से पढ़ना है। बाबा कहते हैं, एक बार संगम पर आकर भगवान पढ़ाते हैं ना, भगवान बाप हमको पढ़ाते तो कितनी, बाबा कहते, खुशी होनी चाहिए, कितनी रुचि से पढ़ना चाहिए। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते रहते। बाप ने समझाया है, आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है ना, तो वो है अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं। बाप समझा रहे हैं कि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता। बाप कहते, सतयुग में है संगम की प्रारब्ध, अनुभव करो, महसूस करो, संगम युग में भगवान बाप मुझे टीचर बन के पढ़ाते हैं। भगवान की यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ, भगवान बाप मुझे बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। बाबा जिस रुचि से हमको पढ़ाते, हम भी उसी रुचि से, खुशी से इस पढ़ाई को पढ़ते हैं। बाबा कहता है कि जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई होती है उच्च स्टेटस दिलाने के लिए। तो इस महत्व को समझते हुए, जानते हुए, उसी श्रेष्ठ भाव से इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ना है, बाबा कहते, उतना ही पुरुषार्थ भी करना है। आगे बाबा कहते हैं कि एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है, भारत में ही भगवान बाप आके सुनाते हैं, और इस ज्ञान से सबकी सदगति करते। बाबा बताते हैं कि जो भारत भूमि है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ बेहद का बाबा आते हैं। बाबा ने भारत में आकर सबकी सदगति की है। बाबा कहते हैं, देखो, भक्ति में बाप को कहते हैं ना लिबरेटर, गाइड, तो अभी संगम पर वही बाप आके बच्चों को लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम लेकर जाते हैं। बाबा कहते, बेहद के बाबा का अपना कोई शरीर नहीं है, संगम युग पर बाबा आकर ज्ञान का वर्षा देते। इस समय संगम पर तुम बच्चे भगवान के खिदमतगार बच्चे बने हो ना। बाबा कहते, श्रीमत पर तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो। हम कौन हैं?
हम भगवान के खिदमतकार बच्चे, हम भगवान के श्रीमत अनुसार भारत की तथा विश्व की सेवा करने वाले बाबा के साथी बच्चे। बाबा के श्रीमत पर बाबा कहते हैं कि तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो। बेहर का बाबा तुमको सच्ची सच्ची सेवा सिखाते हैं। बाबा की श्रीमत पर तुम अपना भी और भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सदगति करते। बाबा कहते अभी सर्व की सदगति तो होनी है ज़रूर, तो ये शुद्ध भाव और शुद्ध अहंकार है ना। तुम बच्चे भी तो बाबा के साथी हो, सच्ची सच्ची सेवा अभी बाप के साथ करते हो। बाबा कहता परंतु हो गुप्त। बाबा ने कहा आत्मा करती है शरीर के द्वारा। बाप कहते तुम्हारा उद्देश्य है फिर से श्रीमद पर विश्व में सत्युग सुख शांति का साम्राज्य स्थापन कर बेहद के बाप से विश्व शांति की प्राइस, विश्व की बादशाही, सच्ची सच्ची प्राइस बाप से लेना। बाबा कहते सच्ची सच्ची प्राइस तो है ही, स्वर्गवासी बनना, विश्व की बादशाही लेना। उसके लिए बाबा कहते फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा गायन पूजन है ना। अब बाबा तो है निराकार, बाप तो है सदैव पूज्य। बाबा कहते कि बाप तो है ही एवर पूज्य। यहाँ आकर बाबा सच्ची सेवा करते, सभी को सदगति देते हैं ना। तो बाप कहते हैं अभी मामे कम याद करो। बाप ने करेक्ट करके बताया है कि हम सो ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय, हम आत्मा चक्र में ऐसे ऐसे आती हैं। बेहद का बाबा त्रिमूर्ति शिव है ना। कहते हैं कि ये जो भक्ति की दुकानें हैं ये तो अब ख़त्म हो जाएंगी। बाप कहते हैं कि भारतवासी तो वास्तव में देवी देवता धर्म के हैं। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ सब आत्माएं निवास करती हैं। बेहद का बाबा त्रिमूर्ति शिव भगवान ब्रह्मा तन में संगम पर प्रवेश करके सब भ्रम दूर कर देते हैं। दिव्य दृष्टि का दाता एक ही बाप है। बेहद का बाबा तुमको विश्व की बादशाही देते। एवज में शिव बाबा तुमको सेवा के एवज में तुमको बाबा क्या देते, विश्व की बादशाही का वर्षा। अभी शिव बाबा की प्रवेशता हो गई है ना, किसमें, ब्रह्मा तन में। अभी तुम बेहद के बाबा से विश्व की बादशाही का सौदा करने के लिए आए हो ना, तो अभी क्या करना है। बाबा कहते तो ज्ञान उठाओ। बाबा कहते देखो साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं पर मिलता तो कुछ नहीं है। बेहद का बाप कहते इस समय तुम बाबा के खिदमतगार बच्चे बनो, भारत की खास और विश्व की सेवा, सच्ची सच्ची सेवा कर बाबा से सच्ची
सच्ची सच्ची प्राइज लो। हम कौन हैं? हम बाबा के साथी, बाबा के खिदमतगार बच्चे हैं, जो बाबा के साथी बन विश्व की सदगति कर बाबा से सच्ची सच्ची प्राइज लेते। बाबा से सच्ची सच्ची प्राइज लेने वाली मैं बाबा के साथी खिदमतगार आत्मा हूँ। अनुभव करेंगे अभी आज बाबा ने जो वरदान दिया कि एकाग्रता के अभ्यास के द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। तो हम कौन सी आत्मा हैं? हम हैं एकाग्रता की शक्ति के द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा। विजन क्रिएट करेंगे, अपने को महसूस करेंगे, अपनी शक्तियों को इमर्ज करेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्व सिद्धि स्वरूपा आत्मा हूँ। अपने को अनुभव करो, स्थिति में एकाग्रचित होके स्थित होना है और इसके द्वारा अनुभव करना है। अब बाबा ने कहा कि संकल्प बीज, अभी श्रेष्ठ संकल्प रचकर उस पर एकाग्र होना है, तो उससे क्या होगा, बोल और कर्म भी समर्थ बन जाते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज लेंगे कि मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, इस देह में, मस्तक में, मध्य में विराजमान चमकती हुई अति सुंदर मणि हूँ। स्थित हो जाए अपने अनादि सिद्धि स्वरूप में, अनुभव करें देह से इस न्यारी मस्तक मणि सिद्धि स्वरूप आत्मा। एकाग्रता की शक्ति से संपन्न सदैव एकरस रहने वाली इस सृष्टि ड्रामा को देखते हुए साक्षी भाव में स्थित रहने वाली, न बीती बातों को जीतने वाली, न उलझनों में फंसने वाली, सदैव अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहने वाली मैं सर्व सिद्धि स्वरूपा आत्मा हूँ। इस देह में, मस्तक के मध्य में ब्रिकटीय काल तख्त पर विराजमान हूँ। बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, श्रेष्ठ संकल्पों में रहने वाले, श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा की श्रीमत है, बीती बातों को चिंतन नहीं करना। बाबा की श्रीमत है सम्मान में रहना। बाबा की श्रीमत है शुभ भावना, शुभ कामना सर्व बेहद के परिवार प्रति सदैव रखना। बाबा की श्रीमत है बाबा के साथ सदैव कंबाइंड स्वरूप में रहना। इन समस्त संकल्पों के द्वारा अपने को श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करेंगे
अनुभव करेंगे अपनी समर्थ स्थिति का, शक्तिशाली स्थिति का, सिद्धि स्वरूपा स्थिति का, बाबा की श्रीमत है कि सम्मान की सीट में सदैव स्थित रहो, अधिकारी आत्मा हो, मालिक आत्मा हो, बाबा की मददगार सहयोगी आत्मा हो। इसी स्थिति में एकाग्र होंगे, अनुभव करेंगे कि स्वतः ही सर्व प्राप्तियां आपको हो रही हैं, सूक्ष्म और स्थूल सर्व प्रकार से सहज ही सर्व प्राप्तियां हमारे को हो रही हैं। सर्व हमारी शक्तियां हमारी सहयोगी बन गई हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों हैं। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, एकर स्थिति में रहने वाली। अब बीच बीच में दिन में भी इसी सम्मान की सीट पर स्थित होना है और इसको अभ्यास भी करना है, अनुभव भी करना है। ओम शांति।